कोरोना के बाद फिल्मी बिजनेस का पूरा खेल बदल गया और खास करके बॉलीवुड की तो इन दिनों लगी पड़ी है। जेन स्टार के नाम से ही फिल्में हिट होती थी और महंगी फिल्मों का आधा बजट इन्हीं को देना पड़ता था। अब उनकी फिल्में भी लगातार फ्लॉप जा रही है। अक्षय और अजय जैसे बड़े स्टार के तो घोड़े लगे हुए है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये असली है ये लौंडा। इनकी फिल्मों को थिएटर्स में इतनी गालियां पड़ी जितनी की इनको विमल की एड करने के बाद भी नहीं पड़ी थी। गजब बेइज्जती है। और वही दूसरी तरफ साउथ की फिल्में KGF 2 और RRR ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। अपने रॉकी भाई ने तो मूवी में भी सारा सोना लूटा और बॉक्स ऑफिस पर पब्लिक को भी खूब लूटा। मेरा मतलब है बॉक्स ऑफिस का सारा पैसा यही ले गए और बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार की हालत कुछ ऐसी हो गई। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अब इसके बाद सबको ये लग रहा है कि साउथ इंडियन फिल्में बॉलीवुड पे भारी पड़ रही है। साउथ इंडियन फिल्में अब इंडियन सिनेमा का चेहरा बन रही है और साउथ की हर फिल्म हिंदी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये सब झूठ है और हकीकत कुछ और ही है, जिसको आज मैं तुम सबके सामने नंगा करूँगा, रणवीर सिंह जैसा नहीं बल्कि तुम्हें सच्चाई बताऊँगा। बड़ा हरामी हो बेटा। तो अगर हम KGF 2 और RRR को साइड में रख दे तो साउथ की एक भी मूवी हिंदी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास उकाल नहीं पाई है। यहाँ तक कि द ग्रेट कमल हसन के विक्रम और आदि भी पेश की मेजर भी हकीकत में बॉक्स ऑफिस पर पानी भरती नजर आई और ये सिलसिला अभी भी चलता जा रहा है। अब साउथ इंडिया की फिल्में पैन इंडिया रिलीज तो हो रही है लेकिन कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही है। और अगर हम हाल ही की बात करें तो देखो कुछ ऐसा ही हाल कन्नड़ा फिल्म विक्रांत रोना का है, जो कि अभी 28 जुलाई को रिलीज हुई थी, जिसके रिलीज से पहले काफी चर्चे चल रहे थे। लेकिन उसने वर्ल्ड वाइड सिर्फ 35 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन किया है और हिंदी में तो पहले दिन का कलेक्शन सिर्फ 1-2 करोड़ बताया जा रहा है। चलो और फिल्मों पर भी नजर घुमा लेते हैं तो तमिल सुपरस्टार अजीत की वल्ली मैं ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 1.5 करोड़ कमाए थे। वही सुपरस्टार प्रभास जो सारे इंडिया को पसंद है, उनकी राधे श्याम ने सिर्फ 19 करोड़ का कलेक्शन किया था, बावजूद इसके कि राधे श्याम का बहुत जोरों से प्रमोशन किया गया था, लेकिन फिर भी हिंदी ऑडियंस को वो प्रभावित नहीं कर पाए। और कमल हसन की विक्रम का भी हाल कुछ ऐसा ही है, इतनी बड़ी फिल्में होने के बावजूद भी इसके हिंदी वर्जन ने सिर्फ 11 करोड़ की कमाई की। वही संदीप उन्नीकृष्णन की बायोपिक मेजर को 13 करोड़, 777 चार्ली को इतनी चर्चा के बाद भी सिर्फ 7.5 करोड़ और माधवन की ग्रेट फिल्म रॉकेटरी भी सिर्फ 15 करोड़ ही कमा पाई। इन सभी फिल्मों के हिंदी वर्जन फ्लॉप रहे, बावजूद इसके कि ये सभी फिल्में कमाल थी, इनका प्रमोशन भी ठीक से किया गया था और स्टोरी भी देखने लायक थी, लेकिन फिर भी ये सभी हिंदी में वो कमाल नहीं कर पाई जो KGF 2 और RRR ने किया था। और सोचो बॉलीवुड तो साला पहले से रिमेक पे जिंदा है, ऐसे में वो क्या ही उकाड़ पाएगा। और इसीलिए हाल ही में रिलीज हुई शमशेरा भी फ्लॉप गई। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर हिंदी फिल्म मार्केट को हुआ क्या है जो हर फिल्म यहाँ चाहे वो बॉलीवुड की हो या फिर साउथ इंडिया की फ्लॉप जा रही है, क्योंकि इन सभी फिल्मों ने साउथ में अच्छी कमाई की और हिंदी में फ्लॉप रही। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, पब्लिक अब बदल चुकी है। 2 साल तक थिएटर्स बंद होने के कारण बहुत से लोग सब कुछ OTT प्लेटफॉर्म पर ही देखना पसंद करते हैं। साथ ही में पब्लिक को थिएटर जाने के लिए कुछ बड़ा कारण चाहिए। अब वो जमाना चला गया जब सलमान अक्षय जैसे स्टार की वजह से पब्लिक कोई भी बकवास फिल्म देखने थिएटर चली जाती थी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कोई और भी कारण हो सकता है फिल्मों की हिंदी वर्जन फ्लॉप होने का? आपको जो भी लगता हो बिंदास कमेंट में लिखो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दो और चैनल को, अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजाजी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।